बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। महरीन के पकवान में वेलकम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला से कि आप लोग अपने घरों में खुश व आबाद होंगे, और दुआ है कि हमेशा अपने घरों में हंसते बसते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम जो चीज़ बना रहे हैं वो है दीवानी हंडिया। देखा, सुनने में लग रहा है ना अजीब सा, लेकिन ये बहुत मज़े की डिश है। और इसको किस तरह से बनाते हैं वो हम बताते हैं आपको। हमने 1 किलो गोश्त लिया है, ये व्हील का बछिया का गोश्त है और हड्डी वाला है। इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून प्याज डालेंगे, पिसी हुई प्याज है ये। 2 टमाटर मीडियम साइज के डालेंगे और 1/2 कप से कम तेल डालेंगे इसमें। चले तो फिर भगाते हैं हम। 2 टेबल स्पून प्याज है, 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे ये 1/4 लहसुन अदरक, 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें पिसी हुई मिर्चें, 2 टेबल स्पून डालेंगे धनिया और 1 टीस्पून जितना डालेंगे हल्दी पाउडर। अब इसको हम भगाते हैं। तेल डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज डालेंगे 2 टेबल स्पून कटी हुई, गोल्डन करेंगे इसको। प्याज हो गई है गोल्डन सी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब हम इसमें डालेंगे ये मसाला, इसमें और इसको धोकर थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अब डालेंगे इसमें टमाटर, टमाटर डाल के ज़्यादा भूनना नहीं क्योंकि हमने गोश्त को गलाना है, फिर टमाटर गोश्त में ही गल जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे गोश्त, दो कप पानी डालेंगे, आप चाहें तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं, कुकर में ये गल जाएगा 25 मिनट्स में। अब हम यहाँ पर रखते हैं इसको पकने, पहले हम तेज़ आंच पे पकाएंगे, उसके बाद हम इसको मीडियम टू लो पे पकाएंगे 40 मिनट्स के लिए। इसको ढक देते हैं और अब आपको दिखाते हैं सब्जियाँ जो इसमें डालेंगे। तो जनाब, हमने सब्जियां काट ली हैं सारी दीवानी हंडिया की। और दीवानी हंडिया की भी एक बड़े मज़ेदार कहानी है कि जब हम छोटे होते थे तो मेरी वालदा बनाती थी, तो हम पूछते थे अम्मी क्या बनाया, तो वो कहती थी कि दीवानी हंडिया। तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया कि दीवानी हंडिया खा लेते थे, मज़े ले लेके खाते थे, बहुत मज़े की लगती थी। फिर जब बड़े हुए तो पता चला कि ये मिक्स वेजिटेबल है। फिर शादी हुई, शादी के बाद मेरी सास ने कहा आज हम बावली हंडिया बना लेते हैं, तो मुझे मतलब हंसी भी आई कि मतलब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह के नाम रखे हुए हैं। और ये इंडिया के जो शहर है ना यूपी साइड, वहाँ के नाम दिया हुआ है, ये वहाँ के लोग बोलते हैं। कोई दीवानी हंडिया बोलता है, कोई बावली हंडिया बोलता है, यकीन कोई और भी कुछ नाम बोलता होगा। तो बहरहाल हमने जो ये सब्जियाँ ली हैं, ये जो हम बना रहे हैं, तो ये बहुत मज़े की डिश है, आप यकीनन इंजॉय करेंगे। एक छोटे साइज़ की हमने मूली ली है और एक छोटे साइज़ की हमने गाजर ली है, और इसको हमने देखें इस तरह से काट लिया। एक मुट्ठी हमने लोबिया की फली ली है, 1 मुट्ठी हमने ग्वार की फली ली है, 1/2 कप हमने मटर ली है, ये गोभी ली है, फूल गोभी है ये भी 1/2 कप है, 3-4 हरी मिर्चें डालेंगे, 1 हमने लिया है शलजम, उसको उसके 4 पीस कर लिए, और 1 छोटे साइज़ का बैंगन लिया है उसके भी 8 पीस कर लिए, 1 छोटे साइज़ की तुरई ली है उसको भी हमने 5-6 पीस कर लिए, और ये 2 आलू लिए हैं, आलू थोड़े से ज़्यादा डालेंगे, आपकी मर्ज़ी है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो डालें। हमारे पास लौकी नहीं थी, वरना लौकी भी डालते,
और ये पालक है, आधी गड्डी पालक है, इसको हम बिल्कुल एंड में डालेंगे जब हमारी सब्जियां सारी गल जाएंगी। तो चले हम गोश्त भूनते हैं और सब्जियां डालते हैं। ये देखिए हमने इसमें कितना कम तेल डाला था, फिर भी तेल नज़र आ रहा है नॉन स्टिक की वजह से भी। अभी थोड़ा सा भून के हम इसमें डालेंगे सब्जियां। मसालों के साथ हमने नमक नहीं डाला था, लेकिन बाद में डाल दिया था। तो वो अच्छी तरह से भूनेंगे, फिर सब्जियां डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये सब्जियाँ, इसमें लहरवानी रही, आलू डालेंगे और बैगन, शलजम और गोभी डालेंगे। गोभी और मटर जो है वो फ्रोज़न है, बाकी सारी फ्रेश हैं सब्जियाँ। दो कप पानी डालेंगे, और इसको गलने तक पकाएंगे। इसे 15 से 20 मिनट हो गए, सब्जियां हमारी बिल्कुल गल गई, आलू भी गल गए। अब हम इसमें डालेंगे पालक और हरी मिर्चें, लेकिन पालक डाल के हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं, बस ये रेडी। हरा धनिया भी डाल देंगे, वो देखिए पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा है, आप चाहें तो पानी डाल सकते हैं, लेकिन हम रोटी से खाएंगे इससे, तो इसलिए हम पानी ज़्यादा नहीं रखेंगे। आप अगर चावलों से खाएं तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, वैसे तो ये इसी तरह की बनती है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं पड़ता। तो चलें फिर हम डिश आउट करते हैं, क्योंकि पालक को हमें पकाना नहीं है। और ये दम पे लगा देते हैं, चूल्हा कर देते हैं बंद। अल्हम्दुलिल्लाह, दीवानी हंडिया रेडी है खाने के लिए, और यकीन करें ये बहुत मज़े की बनी है। आप खाएंगे तो खाते रह जाएंगे, इतने मज़े की बनी है ये। तो चलें बनाएं आप। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिले, और अपने फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें। तो चलें फिर, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश व आबाद रखे, आमीन। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। वाओ यम्मी।